हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का अध्याय पाठ समांतर सारणी सॉल्व करेंगे, जिसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। इसका पहला पहली पहले क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, पहले क्वेश्चन में उसका हल सॉल्व करेंगे। दी हुई सीरीज क्या है? दिए हुए एपी में मतलब समांतर श्रेणी में मान क्या है? ए वन की वैल्यू क्या दे रखी है? ए वन दे रखा है 3, ए टू दे रखा है 1, ए थ्री दे रखा है माइनस का 1, ए फोर दे रखा है माइनस का 3। ये वैल्यू दे रखी है। हम डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर्वांतर हमने कल देखा था ना, डी की वैल्यू कैसे, सर्वांतर जो होता है डी, उसे कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। तो डी जब निकालेंगे, सर्वांतर सर्वांतर डी की वैल्यू जब निकालेंगे, तो दूसरे पद मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? दूसरे पद की वैल्यू है माइनस का एक, सॉरी 1, और माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा देंगे। ए वन की वैल्यू है 3, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी? इसकी आ गई माइनस की 2। और इसी तरह डी, एक और डी निकाल लेंगे, ए थ्री माइनस ए ए टू मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे, तो तीसरा पद कितना है? माइनस का 1, बीच में चिन्ह रहता है माइनस, और ए टू की वैल्यू है 1, इसका भी आ गया माइनस। तो अतः लिख देंगे, अतः दी हुई एपी में प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है? 3, तथा डी मतलब सार्वांतर क्या दे रखा है? माइनस का 2 है। समझ आया ना? इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि -5 -1 3 और 7 का हमें क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है तथा सार्वांतर निकालना है। निकालें, हल लिखेंगे। हल दिए हुए ए पी में मतलब दी हुई समांतर श्रेणी में ए वन क्या है? ए वन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5, ए टू की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1, ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 3, और ए थ्री की वैल्यू 3, और ए फोर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए फोर की वैल्यू दे रखी है 7। तो हम सार्वांतर निकालेंगे सार्वांतर डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है ना, तो ए टू माइनस ए वन करेंगे। जब ए टू माइनस ए वन करेंगे तो ए टू की वैल्यू दे रखी है माइनस की 1, माइनस चिन्ह है, ए वन की दे रखी माइनस का 5। माइनस 1 माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 5, ए की इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस की क्या आ गई? एक और हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ए थ्री में से ए टू को माइनस करेंगे, ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 3, और ए टू की वैल्यू दे बीच में होता है माइनस का चिन्ह, फिर ए टू की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1, 3 माइनस और माइनस को गुणा करेंगे आएगा प्लस 1, कितनी आ गई वैल्यू? 4। अतः लिख देंगे, अतः श्रेणी ए पी में प्रथम पद क्या है? प्रथम एपी में दी हुई श्रेणी एपी में प्रथम पद ए बराबर कितना है? माइनस का 5 है, और सार्वांतर कितना निकला अपना? सार्वांतर डी बराबर निकला 4। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है क्या दे रखा है? इनमें समी इसमें श्रेणी दे रखी है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का हमें प्रथम पद निकालना है, और क्या निकालना है? सार्वांतर निकालना है। तो लिखेंगे, दिए हुए एपी अथवा समांतर श्रेणी में क्या मान क्या दे रखे हैं? A1 की वैल्यू दे रखी है 1/3, A2 की वैल्यू दे रखी है 5/3, और ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 9/3,
ए फोर की वैल्यू क्या दे रखी है, 13/3। तो हम सारवंतर कैसे निकालेंगे, सारवंतर जैसे अभी किया ना, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है, तो ए टू में ए वन को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए टू की वैल्यू दे रखी है 5/3 माइनस ए वन की वैल्यू दे रखी है 1/3। इसका लासा लेंगे, 3 3 का लासा आएगा 3, इसका आ जाएगा 5 - 1, 5 में से 1 जाएंगे आएगा 4/3। एक और निकाल लेंगे, जब एक और डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए थ्री में से ए टू को माइनस करेंगे, ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 9/3 माइनस ए टू की वैल्यू दे रखी है 5/3। अब इसका लासा लेंगे, 3 और 3 का लासा आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा -5, 9 में से 5 जाएंगे आएगा 4/3। अब हम लिख देंगे अतः अतः श्रेणी ए पी, अर्थात समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या निकला है, प्रथम पद, अपन प्रथम पद क्या निकाले हैं, ए वन जो रहता है वही प्रथम पद रहता है श्रेणी में, तो प्रथम पद 1/3, प्रथम पद मतलब ए की वैल्यू कितनी लिखी, 1/3, तथा सारवंतर, सारवंतर कितना निकला, 4/3 निकाले, तो सारवंतर कितना निकाला है, 4/3। अपन चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है चौथे क्वेश्चन में कि एक श्रेणी दे रखी है, चौथे क्वेश्चन में श्रेणी कौन सी दी है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसका हमें प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है, तो लिखेंगे दिए हुए ए पी में ए वन क्या दे रखा, ए वन की वैल्यू 0.6, 0.6, ए टू की वैल्यू दे रखी है 1.7, ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 2.8 और ए फोर की वैल्यू दे रखी है 3.9। तब हम सारवंतर निकालेंगे, तब सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है, ए टू माइनस ए वन तो कितनी आ जाएगी, ए टू की वैल्यू दे रखी 1.7 माइनस 0.6 को घटाएंगे, तो जब 1.7 में 0.6 को घटाएंगे, 7 में 6 जाएंगे 1, लगाएंगे 1 का 1 कितनी आ गई वैल्यू, 1.1। एक और मान निकाल लेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे, तीसरा पद कितना दिख देखा 2.8 और माइनस ए टू की वैल्यू दे रखी 1.7। अब हम 2.8 में 1.7 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 8 में 7 जाएंगे 1.2 में 1 जाएंगे 1, कितनी वैल्यू आ गई 1.1। देखो दोनों मान एक आ गए ना, वही आ गए सेम, अतः लिख देंगे अतः ए पी या समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में प्रथम का पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद अपन निकालें 0.6 तथा सारवंतर क्या है, सारवंतर देखो अपनी 1.1 1.1 1.1।